नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा गुप्ता। सितंबर का महीना देश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। दरअसल इस महीने भारत का चंद्रयान 2 मिशन अपनी कड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। 7 सितंबर को रात 1:55 बजे इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग होगी। इस लैंडिंग का गवाह पूरा देश बनेगा। इस दौरान बैंगलोर के इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर मुख्यालय से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक मौके को देखेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ लखनऊ की एक बेटी भी इस अद्भुत नजारे का दीदार करेगी। ये लड़की कोई और नहीं, लखनऊ के दिल्ली पब्लिक स्कूल की 10वीं की छात्रा राशि वर्मा है, जिसका चयन देश भर के उन मेधावी 60 बच्चों में हुआ है जिन्हें साइंस की दुनिया से प्यार है। ये सभी बच्चे उस दिन पीएम मोदी के साथ चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखेंगे। दरअसल इसरो ने एक ऑनलाइन क्विज की शुरुआत की थी। ये क्विज खास तौर पर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था। इसका मकसद स्कूली बच्चों के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित जागरूकता बढ़ाना है। इस क्विज प्रतियोगिता का नाम है स्पेस क्विज चंद्रयान 2। केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से डीपीएस जानकीपुरम में कक्षा 10वीं की छात्रा राशि का चयन हुआ है। खास बात यह है कि राशि जिस चंद्रयान को चांद पर उतरते देखेंगी, उस मिशन की डायरेक्टर ऋतु करिधाल श्रीवास्तव भी लखनऊ में ही पली बड़ी है। 10 से 25 अगस्त तक आयोजित इस ऑनलाइन साइंस क्विज में 10 मिनट के अंदर 20 सवालों का जवाब देना था। इसमें उत्तर प्रदेश से राशि वर्मा के अलावा एक अन्य स्कूल के 8वीं के छात्र का चयन हुआ है। इसी तरह पूरे देश से कुल 60 बच्चों का चयन किया गया है। चयन के बाद राशि वर्मा ने कहा कि वो बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती है। इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने से उन्हें काफी खुशी है। राशि कहती हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करना चाहेंगी। राशि ही की तरह उड़ीसा, झारखंड और मेघालय से 3 छात्रों का चयन चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने के लिए हुआ है। उधर इसरो के अधिकारियों के अनुसार अभी तक उनके पास सभी 60 छात्रों की पूरी लिस्ट नहीं है। अब ये लिस्ट तैयार की जा रही है। इसरो ने एक अपडेट में कहा, प्रणोदन प्रणाली का प्रयोग करते हुए चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान को चंद्रमा की 4वीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराने का कार्य योजना के मुताबिक 6:18 पर शुरू किया गया। चंद्रमा की 4वीं कक्षा में प्रवेश कराने की इस पूरी प्रक्रिया में 1155 सेकंड का समय लगा। अब 1 सितंबर 2019 को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच चंद्रयान 2 को चंद्रमा की 5वीं कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। राशि ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पीएम मोदी से मिलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। कंपटीशन में हिस्सा जरूर लिया था लेकिन सोचा नहीं था सिलेक्शन हो जाएगा। पहले तो सिलेक्शन होने का ही यकीन नहीं हो रहा था। राशि ने कहा, जब वो पीएम से मिलेंगी तो कहेंगी कि इंडिया को आगे बढ़ता देखकर अच्छा लग रहा है, ऐसे ही काम करते रहिए। राशि ने बताया कि वो मोदी जी के शुरू किए स्वच्छता अभियान से काफी प्रभावित हैं। राशि को पीएम का लोगों से दोस्ताना व्यवहार, खास तौर से बच्चों से अच्छे से मिलना पसंद है। मूल रूप से सीतापुर निवासी राशि डीपीएस जानकीपुरम की छात्रा है। राशि के पिता राजकुमार वर्मा पेशे से किसान और माँ सीमा देवी एक शिक्षिका है। जब से राशि के दोस्तों साथ पढ़ने वालों को ये खबर लगी है कि वो पीएम मोदी के साथ चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखेंगे, तब से सभी के बीच स्टार बन चुकी हैं। राशि IAS बनकर देश सेवा करना चाहती है। हालांकि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद अब वो साइंटिस्ट बनने का भी सोचने लगी है। राशि के स्कूल के प्रिंसिपल नीरू भास्कर का कहना है कि राशि की ये उपलब्धि बाकी स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा का काम करेगी। राशि ने बताया कि प्रतियोगिता में अधिकतर प्रश्न स्पेस इसरो सैटेलाइट से जुड़े पूछे गए थे। राशि ने कहा, वो जब मिशन डायरेक्टर से मिलेंगी तो इस मिशन स्पेस से जुड़े प्रश्न पूछेंगी। राशि ये भी पूछना चाहती है कि ऐसे मिशन में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। मालूम हो कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2-2 छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता से चयनित किया गया है, जो पीएम मोदी के साथ इसरो में इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। तो आपको कैसा लगा इन बच्चों के बारे में जानकर जो खुद पीएम मोदी के साथ बैठकर चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।